find the coefficient of a raised to power 5, b raised to power 7, in a minus 2b raised to power 12. क्वेश्चन नंबर 2 ना, देखिए पावर 12 है, एक बार देख लीजिए, हैं 12 है ना, तो देखिए इसका हम जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म t r प्लस 1 कितना होगा बताओ, t r प्लस 1 इक्वल टू n c r f a रेट पावर r a रेट पावर m माइनस r, a रेट पावर m माइनस r b रेट पावर r ना, ठीक है, तो t r प्लस 1 कितना हो जाएगा, t r प्लस 1 ये हो जाएगा 12 c r, a की वैल्यू कितना है, a को a लीजिए और 12 माइनस r हो जाएगा, एक जो b, b की वैल्यू कितना, माइनस 2, माइनस 2 b रेट पावर रेट पावर 12 रेट पावर r सारे ना 12 रेट पावर r ना, इसको क्या लिखेगा, ये हो जाएगा 12 cr a रेट पावर 12 माइनस r into माइनस 2 रेट पावर r b रेट पावर r, ये ना इसको आप लिखेंगे 12 cr माइनस 2 रेट पावर r a रेट पावर 12 माइनस r b रेट पावर r, ये आपको हो गया tr प्लस 1, tr प्लस 1 ना, ठीक है, तो देखिए a की पावर कितना होना चाहिए 5, b की पावर कितना होना चाहिए 7, तो देखिए यहां b की पावर कितना बताओ, यहां b की पावर क्या है, r है, आपको चाहिए b की पावर 7 ना, ठीक है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, r की वैल्यू क्या होगा, 7, अगर r की वैल्यू 7 रखेंगे तो b की पावर a की पावर क्या हो जाएगी, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, a की पावर 7 हो जाएगा ना, जैसे मतलब r की वैल्यू कितना हो जाएगी बताओ, फॉर कोफिशिएंट ऑफ फॉर कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ b रेट पावर a रेट पावर 5 b रेट पावर 7 r की वैल्यू कितना होना चाहिए, r की वैल्यू 7 होना चाहिए ना, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो कितना मिल जाएगा t, इसका मतलब कौन सा टर्म है जिसमें कि हमको a रेट पावर 5 मिलेगा b रेट पावर 7 मिलेगा, एक टर्म है, कौन सा टर्म है, एट टर्म, एट टर्म में आपको जो है a रेट पावर 5 मिलेगा और b रेट पावर 7 मिलेगा, इससे कोफिशिएंट लिखना है, इधर देखो कोफिशिएंट लिखना है, इसको छोड़ करके जो वैल्यू मिले कोफिशिएंट हो जाएगा, इसको छोड़ करके जो वैल्यू मिले ये है ना, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ a रेट पावर 5 क्या लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ a रेट पावर 5 b रेट पावर 7 इज इक्वल टू 12 c 7 माइनस 2 रेट पावर 7, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, तो सिंपलीफाई करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इनटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इनटू माइनस 2 रेट पावर 7, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 क्या हो जाएगा, 2 इनटू 12 इनटू 11 इनटू 10, देखिए 7 तक हम चलते हैं क्योंकि नीचे हमारा क्या है, मैक्सिमम 7 फैक्टोरियल है, ऊपर भी 7 फैक्टोरियल लेंगे तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इनटू 11 इनटू 10 इनटू 9 इनटू 8 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 7 अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 7 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 5 है ना, तो फैक्टोरियल ऑफ 7 से फैक्टोरियल ऑफ 7 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 रेट पावर 7 है, इसके बारे में निकालिए क्या हो जाएगा, माइनस जैसे माइनस 2 रेट पावर 5 तो 32 होगा ना, और उसमें आपका जो है 5 पावर माइनस 32 होगा और फिर 6 पावर 64 हो जाएगा, और फिर 7 पावर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 128 हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा ना, माइनस 2 रेट पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 128 होगी, ठीक है, अब चलिए 5 को ओपन कर दीजिए, तो देखा 5 4 3 2 एंड 1 है ना, तो देखिए ये चीज 4 इंटू 3 12, तो 4 इंटू 3 12 कैसे होगा, फिर अगर 2 1 जब 2 और 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ऊपर
कितना बन रहा है आपका 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू माइनस 128 है ना, तो कितना हो जाएगा 99, 11 इंटू 72 इंटू माइनस हो जाएगा 128 हो जाएगा ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, लीजिए मल्टीप्लाई करो। देख लिया आंसर थ्री आ जाए। फिर लिखना आपको पहले कि राइट जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेट कॉस सिक्स। इस एक्सप्रेशन में आपको जनरल टर्म लिखना, जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन टर्म लिखना है। तो टी आर प्लस वन लिख दीजिए, तो टी आर प्लस वन किस नंबर बताइए, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर है ए रेट फॉर आर बी रेट फॉर आर ए रेट फॉर आर बी रेट फॉर आर है ना। सर ए रेट फॉर एन माइनस आर, ए रेट फॉर एन माइनस आर ठीक है, और बी रेट फॉर आर बी रेट फॉर आर ठीक है। तो हो जाएगा आपका सिक्स सी आर इंटू ए, ए की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर सिक्स माइनस आर माइनस वाई रेट फॉर आर है ना। तो टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू सिक्स सी एक्स, इसको ओपन कर दीजिए टी एक्स रेट फॉर ट्वेल्व माइनस टू आर है ना इंटू हाँ ये आपका फॉर आर। तो माइनस वन रेट फॉर आर वाई रेट फॉर आर ठीक है, ये चीज हो जाएगी। चलिए तो जनरल टर्म कितना हो जाएगा बताओ, माइनस वन रेट पावर आर माइनस वन रेट पावर आर ठीक है, और इंटू सिक्स सी एक्स इंटू एक्स सिक्स सी आर नॉट एक्स दिस इज सिक्स सी आर एक्स रेट पावर ट्वेल्व माइनस टू आर ट्वेल्व कौन सा है माइनस वन रेट पावर आर सिक्स सी आर है आ रहा है ना,
ठीक है। अब चलिए इसका देखिए, जनरेटर में आपका टी आर क्वेश्चन क्या होगा, एल सी आर एन एच और एन माइनस आर बी आर, ठीक है। तो एक प्लस हमने टो लिख दिया और तो टो सी आर हो गया, एक प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लिख दिया और एन टोल माइनस आर और बी बी को कितना है माइनस वाई एक्स, रेट पावर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका टोल सी आर और एक्स रेट पावर ट्वेंटी फोर माइनस टू आर और इन टू ये हो जाएगा माइनस वन रेट पावर आर वाई रेट पावर आर एक्स रेट पावर आर, है ना। तो हो जाएगा ट्वेल्व सी आर, ठीक है, इन टू एक्स रेट पावर ट्वेंटी फोर माइनस टू आर और प्लस आर माइनस वन रेट पावर आर वाई रेट पावर आर। तो हो जाएगा ट्वेल्व सी आर, ठीक है, एक्स रेट पावर ट्वेंटी फोर माइनस आर इंटू माइनस वन रेट पावर आर वाई रेट पावर आर। तो ट्वेल्व सी आर माइनस वन रेट पावर आर माइनस वन रेट पावर आर रेट पावर आर और एस ट्वेंटी फोर माइनस आर वाई रेट पावर आर। इसका आंसर देखें, आंसर मिला इसका, इसका आंसर मिला कितना, right?